हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज हम बात कर रहे हैं कि जैसे आप लोग होस्टिंग वगैरह लेते हैं, तो होस्टिंग तो जो बेस्ट होगी, मैंने उसके बारे में आपको इससे पहले वीडियो में बता रखा है कि कौन सी बेस्ट होस्टिंग होगी जो अगर आप बाय करना चाहते हैं 2024 में। इसके लिए काफी वीडियो गाइज आप लोग के लिए मैंने अपलोड की है, इन सब वीडियो को आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे आप ग्रो कर सकते हैं अपने आपको, खास करके वेबसाइट वगैरह कैसे ग्रो होगी उस सब के बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से बताया। इसे यहाँ देखिए गूगल ट्रेंड के बारे में मैंने आप लोग के लिए बताया कि आप कैसे गूगल ट्रेंड का अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला होगा। खासकर बिंग से कैसे ट्राफिक ला सकते हैं, ठीक, अगर अगर आप कंटेंट पे आप यूएस वगैरह का ट्राफिक चाहते हैं तो कैसे आ सकता है, उसके बारे में मैंने डीपली यहाँ पर सब कुछ बता रखा है। आप इस सब चीजों को जाकर वॉच कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ देखिए मैंने टॉपिक लिख रखा है कि आज का टॉपिक क्या होगा जो बहुत बेटर होने वाला है। जैसे यहाँ देखिए टूडे टॉपिक अगर हम बात करें तो आज ये देखिए बात करने वाले हैं कि होस्टिंगर में बीपीएस होस्टिंग और क्लाउड होस्टिंग में क्या अंतर है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि होस्टिंगर की हो, कोई भी होस्टिंग हो, उसका बीपीएस सर्वर उसका क्लाउड होस्टिंग सर्वर में क्या अंतर है, कौन सा बेस्ट है अगर आप यूज करना चाहते हैं। तो सिंपल यहाँ पर होस्टिंगर पर जाएंगे हम, और होस्टिंगर पे आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा इन दोनों में से कौन बेस्ट हो सकता है और दोनों में अंतर क्या है। जैसे देखिए होस्टिंग पर जाएंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि क्लाउड होस्टिंग एक है, ठीक है। ऐसे ही आप जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ देखिए मिल जाएगा एक बीपीएस होस्टिंग। तो दोनों में कौन सा बेटर है इनके बारे में कंपेयर करेंगे आज हम, और कौन सा आपको यूज करना चाहिए, क्या। तो यहाँ देखिए बात करना है अबाउट क्लाउड होस्टिंग के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्लाउड होस्टिंग की बात करेंगे, फिर हम लोग बीपीएस होस्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग क्लाउड होस्टिंग के लिए शुरू करते हैं। तो देखिए अगर आप क्लाउड होस्टिंग यूज करते हैं तो अगर आप, यानी इसका मतलब कि आप बिगिनर नहीं है, अगर आप क्लाउड होस्टिंग यूज कर रहे हैं तो आप बिगिनर तो नहीं है, क्योंकि बिगिनर जो होता है वो सबसे पहले छोटी होस्टिंग लेता है, शेयर्ड होस्टिंग लेता है, ठीक है, जिसमें उसको एक वेबसाइट होस्ट करनी होती है और उसको बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता ट्राफिक वगैरह से, उसको सिर्फ सीखने से मतलब होता है, उसको लर्न करके ग्रो करना है पहले, उसके बाद वो क्लाउड या फिर बीपीएस वगैरह पर स्विच करने की सोचता है। अगर हम बात करें क्लाउड होस्टिंग के बारे में तो यहाँ देखिए मैंने पॉइंट कुछ नोट कर रखे हैं, उन्हीं के बारे में आपको मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे बता रखा, मैं पहले बता रहा हूँ कि ये जो सर्वर होस्टिंग होती है, क्लाउड होस्टिंग जो होती है, ये क्या करती है, ये कभी भी एक सर्वर पर डिपेंड नहीं होती है, इसमें कई सर्वर होते हैं। जैसे क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट कई सर्वर पर है, जैसे मतलब आपकी वेबसाइट ये है तो कई सर्वर से कनेक्टेड है। मे बी क्या होता है कि एक सर्वर मान लीजिए नहीं चल रहा है, ठीक है, ये कहीं का सर्वर है, मान लीजिए कहीं इसका भी सर्वर है, यूएसए वगैरह कहीं का सर्वर है, ये नहीं चल रहा है, ये नहीं काम कर रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके कई सर्वर है, देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पे लिखा है नॉट डिपेंड ऑन वन सर्वर, मोर डाटा सर्विस सर्वर गेट, ठीक है, मतलब यहाँ पर काफी सर्वर हैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो इससे मैंने ये सर्वर नहीं चल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं हो कि आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी या फिर ओपन नहीं होगी, नहीं नहीं बहुत सर्वर है गाइज यहाँ पर, ये उन सब सर्वर से कनेक्ट भी रहता है, ठीक है। तो पहली बात ये है कि आपकी वेबसाइट डाउन नहीं होगी, अगर मान लीजिए कोई सर्वर काम नहीं कर रहा है कोई भी वजह से, कोई रीजन की वजह से, तो ऐसा नहीं है कि आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, कई सर्वर है वो सब सर्वर संभाल लेंगे, आपकी वेबसाइट चलती रहेगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है ऑलवेज अप टाइम, मतलब क्या होता है अप टाइम का मतलब कि आपकी आपकी हम आपकी जो भी वेबसाइट होगी वो हमेशा अप टाइम रहेगी, मतलब जब भी कोई आपकी वेबसाइट ओपन करेगा, लाइक मान लीजिए आपकी वेबसाइट है webhosting.com, ठीक है, webhosting.com आपकी वेबसाइट है, तो कोई भी यूजर अगर webhosting.com डालता है तो आपकी वेबसाइट उसको नजर आएगी, खुलेगी, ओपन होगी, है ना। वही तो बोला कि एक सर्वर यहाँ पर नहीं है, काफी सर्वर है, इसीलिए आपकी वेबसाइट अप टाइम मतलब रहेगा, हमेशा 24 घंटे एकदम टनाटन रहेगी, मतलब बेस्ट रहेगी, खुलती रहेगी, डाउन नहीं होगी, ये कहने का मतलब है। यहाँ बता रहे हैं कि बेस्ट होस्टिंग फॉर ब्लॉगर, अगर आप ब्लॉगर हैं, मतलब एक अच्छे ब्लॉगर हैं, ठीक है, मतलब वेबसाइट पर ठीक ठाक ट्रैफिक आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एकदम लो ट्रैफिक या फिर आप बिगिनर, नहीं, आप बिगिनर से ऊपर हो गए हैं, ठीक है, मीडियम लेवल पर आ गए हैं, तो आप इस होस्टिंग को यूज कर सकते हैं, और ये बेस्ट होस्टिंग है खासकर ब्लॉगर के लिए, जो अगर आप यूज करते हैं, जो भी ब्लॉगर है, नॉट ब्लॉगर मतलब ब्लॉगर जो भी ब्लॉगिंग करते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ब्लॉगर प्लेटफॉर्म के बारे में बात नहीं कर रहा। चौथा जो मैं यहाँ पर नोट कर रखा है कंट्रोल फ्रॉम एनीवेयर, मतलब इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक मान लीजिए कि जैसे लैपटॉप है या फिर मोबाइल है तो वो क्या है, लोकल स्टोरेज है, मतलब उसमें आप सिर्फ जब आपके पास लैपटॉप होगा आपका तभी आप उसका स्टोरेज यूज कर सकते हैं, या आपका मोबाइल में जो भी चीजें हैं वो तभी यूज कर सकते हैं जब आपके पास मोबाइल होगा या आपके पास लैपटॉप होगा, बट इसमें ऐसा नहीं है क्लाउड होस्टिंग में, आप कहीं भी बैठे, लाइक इंडिया में बैठे और कोई आपका यूजर, कोई भी आपका दोस्त है, उसके पास वेबसाइट है और उसने स्टोरेज में काफी डाटा डाल रखा है, जो भी इसको डाटा आपको देना है, तो उसको यूएस से इंडिया नहीं जरूरत नहीं है, वो सर्वर का आपको भेज देगा लिंक वगैरह कि भाई ये लिंक है, इसका लॉगिन वगैरह डिटेल भेज देगा, तो आप इसको यहाँ पर इंडिया में बैठ कर उस डाटा को
प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो ये फायदा है क्लाउड सर्वर का, क्लाउड होस्टिंग का। अगला मैं बता रहा हूँ कि लो प्राइस देन बीपीएस, मतलब इसका जो प्राइस होता है वो बीपीएस की अपेक्षा काफी कम होता है। तो आप ध्यान से देखिए कि काफी यूजर, अगर आपने देखा होगा काफी जो भी ब्लॉगर है, यूजर जो भी ब्लॉग लिखते हैं, राइट वगैरह करते हैं, और उनकी वेबसाइट पर ठीक ठाक ट्रैफिक है, तो क्लाउड होस्टिंग यूज करते हैं, प्रीफर ज्यादा करते हैं वो क्लाउड होस्टिंग को यूज करना, समझ रहे हैं? क्योंकि हमेशा अप टाइम रहता है, कंटेंट उन्होंने डाला हुआ है वो अच्छे से कहीं से भी मैनेज कर सकते हैं, लाइक वो यहाँ पर नहीं, कहीं और से मैनेज कर सकते हैं। तो सेम चीजें आप यहाँ पर, आप पर जाएंगे सिंपल होस्टिंगर में, और क्लाउड होस्टिंग कैसे परचेज करना है सिंपल, यहाँ पर स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सा है। क्लाउड होस्टिंग में भी कई प्लान होता है, जैसे आपको बताया मैंने कि सेड होस्टिंग में भी कई प्लान है, क्लाउड होस्टिंग में भी सही कई प्लान है, और ऐसे वीपीएस में भी कई प्लान है अलग अलग प्राइस के हिसाब से। यहाँ पर देखिए कैसी चीज, यहाँ पर इन्होंने काफी चीजें बता रखा है कि क्या क्या है। देखिए यहाँ पर लिख रखा है कि 999, मतलब 1,000 रुपये महीने के हिसाब से है, 300 साइड होस्ट कर सकते हैं, 300 GB, यहाँ पर 6 GB रैम आपको मिलेगा, 4 CPU कोर आपको मिलने वाला है, समझ रहे हैं? 4 CPU कोर आपको मिलेगा, बैकअप वगैरह यहाँ पर लिखा रखा है, अनलिमिटेड फ्री SSL यहाँ पर यूज कर सकते हैं, अनलिमिटेड बैंड वॉच का यूज कर सकते हैं, ठीक है, फ्री CDN आपको मिलेगा, डेडिकेटेड IP आपको एक सर्वर दिया जाएगा, समझ रहे हैं? ये सब चीजें आपको यहाँ पर इसमें मिलने वाली है, ठीक। और चीजें यहाँ पर डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं, ये देखिए पूरा बता रखा है कि कैसे कनेक्ट होगा, क्या क्या चीजें, देखिए यहाँ पर काफी चीजें अपनी वेबसाइट को कहाँ कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से आप इसको लॉग इन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कंपेयर कर रहे हैं इनका, कंपेयर कैसे कैसे कितने कितना चीजें हैं, जैसे यहाँ देखिए क्या क्या चीजें अंतर आएगा। यहाँ पर देखिए मेमोरी रैम बढ़ जाएगा आपका, देखिए जैसे आपका रैम होता है मोबाइल का, ऐसे ही इसमें भी रैम होता है, जब आप कंटेंट वगैरह अपलोड करते हैं, वेबसाइट वगैरह अपलोड करते हैं, तो वो स्टोरेज वगैरह बनता है धीरे धीरे, ठीक है। वो सब चीजें यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि कितना कितना आपको मिलेगा, 2 CPU कोर है, 4 कोर्स है, ठीक है, सीपीयू कोर कितना आपको दिया जा रहा है, वो सब चीजें यहाँ पर देख सकते हैं, बैंड वॉच आपको अनलिमिटेड में दिया जा रहा है, देखिए, और सब चीजें यहाँ पर आप आसानी से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और कौन सा बेस्ट आपके लिए होने वाला है इसमें से आप चूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक है, मंथली ट्रैफिक क्या है, ठीक है, और कैसी आपकी वेबसाइट है, किस तरह की, वो सब यहाँ पर आप देखकर इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये था क्लाउड होस्टिंग के बारे में। अब हम बात करें बीपीएस होस्टिंग के बारे में। तो यहाँ पर बीपीएस के बारे में बात करें तो यहाँ बता रहा हूँ आपको मैं कि जो बीपीएस होस्टिंग है, ठीक है, वो यहाँ पर देखिए वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है, ठीक है, मतलब ये क्या होता है, ये एक सर्वर आपको दिया जाता है, एक होती है होस्टिंग, एक होता है सर्वर, एक सर्वर होता है तो उसमें कई होस्टिंग होती है गाइस, समझो आप, समझ नहीं समझे, जैसे क्या होता है, देखिए एक सर्वर है, पूरा आपको सर्वर दे दिया जा रहा है, ठीक है, जैसे पूरा सर्वर दे दिया गया आपको, पूरा एक सर्वर ही दे दिया गया आपके लिए, कि आपके लिए ये सर्वर है पूरा। ऐसे ही सर्वर में क्या होता है ना गाइस, जैसे सर्वर है इसमें कई भागों में बांट दिया जाता है, कई लोग इसमें बाई करते हैं, तो वो क्या होता है, वो होती होस्टिंग। लेकिन 6 GB का सर्वर है, मान लीजिए जैसे 6 GB का सर्वर, तो इसमें क्या करते हैं उन्होंने 2 2 GB के 3 भागों में बांट दिए, तो ये क्या हो गया, एक होस्टिंग बन गई, ठीक है, कि आप 2 2 GB की यूज कर सकती है एक वेबसाइट, और प्राइस इसका कम हो जाएगा। बट ये सर्वर पूरे जब आपको देंगे तो क्या होगा, प्राइस भी ज्यादा होगा, पर आपको यहाँ पर होस्टिंग में वो ही ज्यादा मिलेगा, मतलब GB वगैरह रैम वगैरह काफी ज्यादा मिलेगा, मैंने आपको बताया अभी। तो ये होता है ओनली यू कैन यूज, ये प्राइवेट सर्वर होता है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। दूसरा पॉइंट बेस्ट स्पीड, अगर आप ये यूज करते हैं तो आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत फास्ट होगी। जैसे आपने कोई वेबसाइट, आपने अपने क्लिक किया आपकी वेबसाइट पर, किसी ने भी ओपन किया, तो आप देखो बड़ी बड़ी साइट से यूट्यूब वगैरह, ठीक है, आप ध्यान से देखो कभी भी, बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक अमेजोन वगैरह, जिससे आप अमेजोन डालो ना, अमेजोन, तो ये फटाक से ओपन होगा गाइज, ठीक है, अमेजोन डॉट इन डाला आपने इसे यहाँ पर, तो ये फटाफट ओपन होगा, क्योंकि ये सर्वर ही ऐसा है, देखिए तुरंत ओपन हो गया, इतना ज्यादा इस वेबसाइट पर बहुत लोड है गाइज, देखिए काफी चीज उन्होंने कंटेंट डाल रखा है, देखिए ध्यान से आप, कितने सारे कंटेंट अमेजोन में, लाखों में कंटेंट पड़े हुए हैं, ठीक है, ये सब लोड लेते हैं, देखिए तभी वेबसाइट इतनी तेज क्यों ओपन हो रही है, इसके पीछे रीजन है, मैंने आपको बताया ये सर्वर का रीजन होता है, बीपीएस सर्वर होस्टिंग लेते हैं, ऊपर सर्वर ले लेते हैं, ठीक है, ताकि फटाफट स्पीड के साथ आपकी वेबसाइट ओपन हो, ताकि यूजर को इरिटेटिंग ना हो। तीसरा मोर, देखिए फोर मोर ट्रैफिक कैन यूज, मतलब अगर आपकी वेबसाइट पर काफी ज्यादा ट्रैफिक है तब आप यहाँ पर बीपीएस होस्टिंग का यूज कीजिए, वरना मत कीजिए। अगला चेंज इन GB डाटा स्पेस, मतलब जैसे क्या होता है कि आप अपने इसमें, जैसे मान लिया अपने बीपीएस होस्टिंग ली, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें स्पेस भी कम कर सकते हो, भाई आपको जरूरत नहीं, तो आप अगले महीने अपने स्पेस कम लिया, आपको लगा भाई स्पेस ज्यादा चाहिए क्योंकि आप ज्यादा कंटेंट आप अपलोड करने वाले हो, बल्क में आप ज्यादा डालने वाले हो, तो आपने स्पेस बढ़ा दी, ये सुविधा आपको वीपीएस होस्टिंग में देखने को मिलने वाली है।
नॉट फॉर न्यू ब्लॉगर, जाहिर सी बात है भाई कि न्यू ब्लॉगर के लिए जरूरत नहीं, क्योंकि न्यू ब्लॉगर अभी जस्ट आया है सीखने के लिए, तो पहले वो क्या करे, सिंपल चीजें सीखे लाइक शेयर होस्टिंग सीखे, देन क्लाउड होस्टिंग, देन आप बीपीएस पर जाइए। बीपीएस एक बड़ा सर्वर, मैं पता नहीं सर्वर होता है पूरा, आपको सर्वर दिया, और सर्वर के अंदर कई होस्टिंग होती है, ठीक है? तो आप सिंपल शेयर होस्टिंग से स्टार्ट करिए। अब यहाँ पर लिखा है कंट्रोल फ्रॉम एनीवे, मतलब कहीं से भी आप कंट्रोल कर सकते, जैसे मैंने आपको बताया यूएस वगैरह का बंदा है वो इंडिया के कंट्रोल कर सकता है डाटा वगैरह को। इसके बाद आता है फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट, जाहिर सी बात आप यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट देखिए अमेजोन हो गया, ऐसा फ्लिपकार्ट डालेंगे, तो ये सब साइट क्या करती है, ये सब साइट यही करती है, ये सब साइट जो होती है फ्लिपकार्ट वगैरह अमेजोन वगैरह, ये सब बीपीएस होस्टिंग ही यूज करती है, क्योंकि बहुत बड़ा सर्वर है इनका, इनको जरूरत है बहुत बड़े सर्वर की, इन पर बहुत कंटेंट देखिए, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक कितनी चीजें यहाँ पर डली हुई है, आप ध्यान से देखेंगे अभी सर्च करें तो काफी चीजें आपको देखने मिलने वाली है फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह पर। और जाहिर सी बात है गाइस, इतना बड़ा जब सर्वर होता है तो इनको बड़ा भाई, इतना बड़ी वेबसाइट है, इतना बड़ा इन्होंने लोड दे रखा है इस वेबसाइट पर, दुनिया भर के लोग यूजर यूज कर रहे हैं, लाखों यूजर यूज कर रहे हैं, इवन करोड़ों बोले तो कम नहीं है, ठीक है, करोड़ों यूजर यूज कर रहे हैं, इनको हमेशा अपनी वेबसाइट पर ट्राफिक इनको मिलने ही वाला है, हमेशा लोग डायरेक्ट सर्च कर करके आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनको हमेशा अपना सर्वर अप रखना पड़ेगा। ये देखिए 174 मिलियन यूजर आ रहे हैं, 1.74 करोड़ यूजर यहाँ पर आ रहे हैं, 5-5 मिनट बिता आ रहे हैं, देखिए कहाँ कहाँ का यूजर है ये सब आप दिखाई दे रहा है, देखिए इंडिया के 95% यूजर आ रहे हैं .com में, देखिए फ्लिपकार्ट पे लोग यूजर आ रहे हैं, देखिए ऐसे अमेजोन है, अमेजोन पे देख सकते हैं कितने यूजर आ रहे हैं, ये देखिए 3 करोड़ यूजर आ रहे हैं अमेजोन पर हर महीने, देखिए कहाँ से आ रहे हैं, इंडिया से देखिए आ रहे हैं, यूएसए से आ रहे हैं, सब आप देख सकते हैं यहाँ पर, .in इसलिए इंडिया दिखा रहा है, .com होगा तो इंडिया नहीं होगा मेरे हिसाब से, वहाँ पर यूएस वगैरह के लोग आएंगे, ये कुछ मांग रहा है, ठीक है, ये सब आप डाल सकते हैं, ठीक है, चेक करने के लिए कि कितना ट्रैफिक आता है, ठीक है, देखिए यूएसए का यहाँ पर हो गया, amazon.com ओपन हो गया, तो यूएस का हो गया, तो हम दिखाएगा, आई थिंक यूएस के यूजर यहाँ पर होंगे मेरे हिसाब से, 2 बिलियन, देखिए 2 बिलियन यूजर है, देख सकते हैं 2 बिलियन, ये देखिए यूएसए, देखिए 83% ट्राफिक आ रहा है यूएसए से, 2 बिलियन यूजर देख रहे हैं, अब 2 बिलियन यूजर हैं तो इसको संभालना पड़ेगा, बड़ा इसको सर्वर चाहिए, तो वो यूज करते हैं बीपीएस होस्टिंग, इसलिए लिख रखा मैंने पर फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट। और इसके अलावा इसे बहुत से ऐप वगैरह बनते हैं, एप्लीकेशन वगैरह, गेम वगैरह, एपीके वगैरह, तो वो भी यूज करते हैं लाइक यहाँ पर हमारा ये बीपीएस होस्टिंग, जैसे आप देखिए कभी सर्च कीजिए यहाँ पर बहुत सारे गेम आपको ऑनलाइन खेलिंग मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए कि ऑनलाइन गेम क्लिक, तो यहाँ पर जैसे आप ऑनलाइन गेम बजाएंगे, जैसे देखिए poki.com है, ये देखिए यहाँ पर आपको गेम देखने मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए काफी सारे गेम्स आपको देखने मिल जाएंगे, बाइक वाले या फिर जो भी आपको गेम्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक, तो क्या करते हैं, ये भी अपने आप में काफी बड़ा सर्वर यूज करते हैं, वो है बीपीएस, देखिए 75% लोड, 1 प्लेयर अपने हिसाब से, यहाँ पर म्यूजिक बज रहा है, ठीक है, यहाँ पर म्यूजिक आप ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी चीज यहाँ पर देख सकते हैं, टूर्नामेंट वगैरह हार्ड या फिर नेस्ट कैसा आप यहाँ पर कर सकते हैं, और यहाँ पर आप इसको प्ले करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स से ये करेगा फिर जेड से ये करेगा, ठीक है, ये देखिए तो ये चीजें से कर सकते हैं, ये देखिए सिंपल इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक, ये सब चीजें आप देख के यहाँ पर खेल सकते हैं या फिर, ठीक, ये चीजें यहाँ पर लोग खेलते हैं, तो इसके लिए भी बड़ा सर्वर चाहिए। यू कैन विन गेट ओन आईपी एड्रेस, जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, आपको यहाँ पर एक आईपी एड्रेस खुद का दिया जाता है, सबसे बड़ी बात है कि आपको खुद का एक आईपी एड्रेस मिलेगा, इसके अलावा बिग सर्वर डिवाइडेड फॉर यू, मतलब इसमें क्या होता है कि आपने मान लीजिए बड़ा सर्वर है, डेडिकेटेड सर्वर, इससे बड़ा सर्वर एक होता है डेडिकेटेड सर्वर होता है, उसमें मान लीजिए 12 GB का ही रैम है, तो 6 GB आपको, 6 GB आपको, अब आप 6 GB पूरी तरह से यूज कर सकते हैं बीपीएस में, समझ रहे हैं, ये चीजें होती है, बट अगर ये 6 GB फुल हो गई तो आप दूसरे के इस 6 GB नहीं जा सकते, ना ना आपको इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, इसमें पैसे और लगाकर इस 6 GB को 8 या 10 GB बना सकते हैं, सर्वर को बढ़ा सकते हैं, ठीक, ये चीजें करनी होती हैं, तो ये अंतर है गाइस क्लाउड होस्टिंग और बीपीएस होस्टिंग में। सबसे बड़ी बात गाइस ये है कि क्लाउड होस्टिंग आप नॉर्मल वेबसाइट यूजर भी यूज करते हैं, जिनकी वेबसाइट पर ठीक ठाक ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, ठीक ठाक 5-6 लाख 4-6 लाख का ट्रैफिक है महीने का, वो यूज करते हैं, लेकिन वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक है 20-20 मिलियन का, 2-2 बिलियन का, वो सब हमेशा वीपीएस होस्टिंग यूज करते हैं, और खासकर गेम वाले, एपीके वाले, इसे पबजी वगैरह गेम वगैरह, ये कहीं ना कहीं तो होस्ट होगा गाइस, कुछ तो सोचो, इसे ड्रीम होस्ट आप ओपन करते हैं, सॉरी ड्रीम इलेवन, तो ड्रीम इलेवन भी कहीं ना कहीं होस्ट है, और जाहिर सी बात है ड्रीम इलेवन कहाँ होस्ट होगा,
इस पर काफी लोग यूजर यूज करते हैं, फैंटेसी वगैरह खेलते हैं, तो ये भी एक डेडिकेटेड वीपीएस सर्वर के साथ ही कनेक्ट होता है गाइस। मैंने आपको बताया था यहाँ पर, मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट आपको बताया अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह, मिंत्रा वगैरह यहाँ पर कनेक्ट होंगी, और एप्लीकेशन वाले भी इसी सर्वर पर भी अपना अकाउंट होस्ट करते हैं, वेबसाइट होस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई और ये अंतर था गाइज आपके क्लाउड होस्टिंग में और वीपीएस होस्टिंग में। तो सिंपल, यहाँ पर आप जाएंगे होस्टिंगर पर और यहाँ पर वीपीएस होस्टिंग पर जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर वीपीएस होस्टिंग पर, तो वीपीएस होस्टिंग पर यहाँ पर सिंपल आप जाकर बाय कर सकते हैं आसानी तरीके से। यहाँ पर चूज योर प्लान, अपने हिसाब से चूज प्लान कर सकते हैं कि कितना कितना कैसे मिलेगा और क्या क्या चीजें मिलेगी। यहाँ पर देखिए 1 CPU कोर है, तो ये 439 रुपए महीना का है। 599 यहाँ पर 2 CPU कोर, और ऊपर जाएंगे 849 में 4 CPU कोर, 16 GB रैम, ठीक है, 16 यहाँ पर देखिए 16 TB बैंड वाच मिल रहा है आपको। ऐसे यहाँ पर देखिए 1700 में जाएंगे तो ये आपको 8 CPU कोर मिलेगा, 3200 रैम मिलेगा, 32 GB रैम मिलेगा, ये सब चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। सिंपल इसको आप यहाँ पर चूज और प्लान करेंगे, डिटेल्स वगैरह सिंपल जो भी इनसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी आपसे, सिंपल इसको आपने फिल करना है एंड इसको सिंपल अपने UPI के द्वारा भी पे कर सकते हैं। यही फायदा है होस्टिंग अगर आप यूज करते हैं तो। देखिए 14,000 पड़ेगा आपको, 24 मंथ का, 2 साल का 14,000 पड़ेगा, और अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी प्लान आपको यूज करना है, लाइक 12 मंथ का इतने का पड़ेगा, 1 साल का इतने का पड़ेगा, सब यहाँ पर बता रखा है। इसको चूज करके प्लान को सिक्योर सबमिट करके डाटा इसको आप बाय कर सकते हैं। ठीक, सो आई होप आपको समझ में आया होगा इन दोनों में अंतर क्या है, होस्टिंग और वीपीएस और क्लाउड वीपीएस में। मैंने आपको वीपीएस के बारे में पूरा डिटेल्स में बताया है कि वीपीएस क्या है, ठीक है, और क्लाउड क्या है, और होस्टिंगर से कैसे आप बाय कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया, सिंपल तरीके से आप बाय कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आज की वीडियो में इतना ही गाइज। अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब बटन को हिट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी आपको कंटेंट चाहिए उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए, उसके ऊपर मैं वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स वॉचिंग गाइज।